थैंक यू टीम, मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज। आई नीड टू शेयर माय पीपीटीज एज वेल, थैंक यू। ओके, सो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, जिसका नाम है हुंकारा विद हलीम। तो बहुत बहुत धन्यवाद एकेडमी को, राजीव सर को, पूनम मैम को और हमारी पूरी गुरुजी ज्ञान की टीम को, जो हमें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाकर हमें एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां पर हम बहुत सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राइट, गुड आफ्टरनून जी, आशीष जी, आत्मा नमस्ते। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ, एंड आई होप आप लोग सब इस नई विद्या को, जिन जो लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम थोड़ा सा एक मेडिटेशन भी करेंगे, जो लोग सबसे लास्ट तक रुकेंगे मेरे साथ उनके लिए स्पेशल चीजें भी हैं कुछ। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दूंगी जो आप लोगों को बहुत सारे एरियाज में फायदा भी होगा, जिनका मे बी इट कैन बी स्विच वर्ड्स, मे बी समथिंग कुछ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव, जो लोग आज यहाँ जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। आर यू ऑल रेडी? हम सब दिखा दीजिए, कुछ शोर मचाइए, इट्स अ इंटरेक्शन क्लास, कम ऑन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई लव दिस, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, जैसे हमारा एकेडमी का रूल है और हमारा एक रिचुअल है कि हम सबसे पहले अपने गुरुजनों को याद करते हैं, मैं स्क्रीन पे कुछ प्रेयर्स शेयर कर रही हूँ, हम सब एक साथ करेंगे। अपने सबसे पहले गुरुओं का ध्यान करना बहुत जरूरी होता है, राइट? तो चलिए, सो सॉरी, वो गलती से बंद हो गया। So with your due permission, I'm sharing my screen now. चलिए, सबसे पहले अपने गुरु को याद करेंगे सभी, आप जिनको भी मानते हैं, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे और अपने अपने गुरुओं को ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सभी विधि हो कल्याण।
आप सबको मेरी नमस्ते। शुरू करते हैं आज की जो क्लास है, या यूं कहें जो वेबिनार है, वो हुंकारा विद हलीम पर है। ये एक बहुत ही पावरफुल मोडेलिटी है जिसके बारे में बहुत लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स रहती है कि हुंकारा विद हलीम ये है क्या, बेसिकली क्या है। तो हुंकारा जो है, जो काली माँ हुंकारा भरती हैं, ये वो हुंकारा है। और हलीम जो है, जो बगुला मुखी माता का जो बीज मंत्र है, वो है हलीम। हम इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग 10 महाविद्याओं के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, है ना? बहुत नाम सुना है। आजकल बहुत ज्यादा इसके बारे में बात भी की जा रही है, चाहे YouTube हो या कहीं भी हो, आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सुन भी रहे हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से तो 10 महाविद्या 10 देवियों के ऊपर है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो 10 महाविद्या है, ये कहाँ से आई है? मेन जो है वो शिव और पार्वती है, और ये सब आप कह सकते हैं कि माँ पार्वती के ही अंश हैं, 10 के 10। या आप कह सकते हैं उनकी बहनें हैं, उनकी सखियां हैं, या उनके अंश हैं। जो जिस भी फॉर्म में आप इनको समझना चाहते हैं, आप समझें। तो हुंकारा विद हलीम समझने के लिए सबसे पहले आपको देवियों की शक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। आर यू ऑल रेडी? चलिए सबसे पहले। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जिस प्रोसेस में यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, और उसमें मैं उनका नाम लूंगी, उसी प्रोसेस में उनका अवतरण हुआ है। जब भी हम इनकी प्रार्थना करते हैं, या जब भी हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, या इनको पढ़ना चाहते हैं, इनकी साधना करना चाहते हैं, तो ये एक तरह से आप समझ लो कि पार्वती माँ खड़ी है ना? और फिर एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स में ये सब खड़ी है। तो हर एक का एक लीनिएज जैसा है, हर एक का एक स्टेप है। तो इसमें सबसे पहले आती हैं माँ काली, जो तो सभी जानते हैं इनका रूप, ठीक है? दूसरी आती है माँ तारा, जिनका भी आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब पे और बहुत मेडिटेशंस हो रहे हैं। फिर आती है माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिनके नाम में ही सुंदरता है। उसके बाद आती है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी से ही आप समझ सकते हैं ये भुवन भवन की बात कर रही हैं। चिन्नमस्ता। चिन्नमस्ता एक ऐसी देवी है जिनको साधना के लिए काफी पूजा जाता है। फिर भैरवी आती है। एक्चुअली भैरवी ऊपर है, चिन्मस्ता नीचे हैं, जिनके जो सर वो है। तो ये आपकी सारी चीजों को पूरा करती हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करती हैं वो। फिर आती हैं आपकी माँ धूमावती, जो एक अलग ही लेवल का इनका तांत्रिक साधनाएं होती हैं इनके नाम की। फिर आती हैं बगला मुखी माता, जो गलत को सजा देने में एक नंबर है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आप लोगों से इसलिए बात करना चाहती हूँ इस पे, ताकि आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हैवी ना लगे, ठीक है? सब देवी के ही रूप है और सब बहुत प्यारी हैं, लेकिन सबको एक एक काम अलॉटेड है, ठीक है? फिर आती है मातंगी। मातंगी माँ जो है वो तांत्रिक रूप है माँ सरस्वती का, ठीक है? फिर आती है हमारी सबकी प्यारी कमला देवी, जो भी तांत्रिक रूप है लक्ष्मी माँ का, ठीक है? इसमें एक चीज आप डिफरेंस देखोगे, लक्ष्मी माता की फोटो में आपको कभी भी जो हाथी है वो नहीं दिखेंगे पीछे, लेकिन कमला माँ की जो पिक्चर होगी उसमें हमेशा आपको दो एलिफेंट दिखेंगे, जो उनके ऊपर वो दे रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पर ना ये चीजें इसलिए समझनी जरूरी होती है कि हमें पता तो है ये सब चीजें हैं, हमने बहुत सुना है, देखा है, सब चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा ना इनकी इस नॉलेज से थोड़ा सा डिस्टेंस है, राइट? तो जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे गाइडेंस आती है, और जहां तक जितना भी मैं पढ़ सकती हूँ इन चीजों के बारे में, मैं पढ़ती हूँ, और जहां तक हो सके भगवान की
को अपने आगे रखकर जो भी आप लोगों को दे सकती हूँ मैं जरूर दूंगी, और आई होप सो आप सब सब लोग मेरा इसमें साथ देंगे। कहीं गलतियां हो त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है? तो आगे बढ़े, सब इंटरेस्टेड है? ग्रेट, यस थैंक यू। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हुंकारा विद हलीम दो देवियों की साधना है, एक्चुअली प्रॉपर प्रॉपर साधना नहीं है, ओके? आप इससे घबराइए मत, डरिए मत कि मैं आपको प्रॉपर साधना कराऊंगी। ये कुछ मोडेलिटीज हैं जो हम बहुत इजी वे में हम तक पहुंचाई गई हैं, और किसने पहुंचाई है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ काली माता और बगलामुखी माता, फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, और सेकेंड लाइन में थर्ड पिक्चर, ठीक है? हम सिर्फ इन्हीं की इसमें आराधना है, ठीक है? काली माँ कितना सुंदर रूप है। अच्छा सच सच बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के, इस रूप से किसको डर लगता है? बहुत प्यारे हैं मैम। है ना? और जब आप इस रूप के बारे में जानोगे वो क्लास में होगा, ठीक है? दैट इज यू कैन से इट कि मैं उसको पूरा क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी इस रूप के बारे में, है ना? माँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। माँ हमें जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है, जो विशेष साइकिल होती है ना, उसके बारे में बताती है। यहीं से आदि है और यहीं से अंत है, सब कुछ यहीं है। इनका रंग, इनका रूप, इनका पहनावा, हर एक चीज के बारे में डिटेलिंग जो होगी वो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? अब दूसरे पे हम आते हैं, माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथ में एक तलवार तो नहीं है, मुट्ठ जैसा है, और इन्होंने एक की जीभा पकड़ी हुई है। देखिए बहुत ध्यान से आपको ये समझने की जरूरत है, ये हमें आज की जो प्रेजेंट हमारी लाइफ है उसके अंदर जो भी हमसे गलतियां होती हैं या जो भी हमसे गलत कर्म हो जाते हैं उसकी सजा ये देती है। अब सजा से सब लोग डर जाएंगे, अरे बाप रे ये तो सजा दे रही है, लेकिन माँ है, माँ सजा देती है तो प्यार भी उससे कई गुना करती है। वो आपको रास्ता दिखाती है कि सही रास्ता क्या है, गलत नहीं बोलना है, इसीलिए उन्होंने उसकी जीभ पकड़ी हुई है, राइट? तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल मोडेलिटी ये मिलने जा रही है। अब सबसे पहले इस मोडेलिटी को बनाने वाले जो हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। उनका नाम है डॉक्टर एस के सैनी भी बोल सकते हैं, श्री सैनी, एस के सैनी भी बोल सकते हैं इनको। ये फाउंडर हैं कुछ मोडेलिटीज के, मैं सबके नाम लूंगी। लामा फेरा बहुत लोगों ने सुना है, हुंकारा विद हलीम, योग माया, शाल्विक मंत्र रहस्य, और भी कई सारी मोडेलिटीज इन्होंने बनाई है। अब अगर आप इनकी जन्म तारीख देखेंगे तो सिर्फ 1964 में तो ये बॉर्न हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े साधक हुए हैं, अब ये हमारे बीच में नहीं है। ये इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, और इसी एक क्वेस्ट थी कि ये क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है। जैसे हमने सबने सुना है ना कि बुद्धा को भी यही क्वेस्ट थी कि क्या है ये सब, मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, हम क्यों बूढ़े होते हैं, हमारा क्यों जन्म होता है, हम क्यों बीमार होते हैं, यही क्वेस्ट इनकी भी थी। तो इन्होंने बहुत साधना की, नेपाल में रहे, तिब्बत में रहे, इवन बॉम्बे में भी रहकर, मुंबई, जब ये बॉम्बे कहा जाता था, अभी तो मुंबई है, तो मुंबई में भी रहकर इन्होंने बहुत मतलब बड़े बड़े पदों पर जो रहे हैं या बहुत ज्ञानी लोग हैं उनके साथ साधनाएं करी हैं, और बहुत सारी चीजें इन्होंने सीखी। लेकिन इनको एक ही चीज समझ में आई कि ये इतनी डिफिकल्ट मोडालिटी है, जैसे लामाज के साथ रहे तो अब लामा की जो पद्धतियां होती हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना फॉलो करने में, सभी को होती हैं, है ना? तो इन्होंने जब ये देखा कि लामाज की इतनी डिफिकल्ट पद्धति है तो ये लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो ईश्वर देता है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हमें चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, राइट? हम कहते हैं भगवान के अवतार हुए हैं, क्यों हुए हैं, ताकि हमारी तकलीफों को कम किया जा सके, है ना? सब मानते हैं इस बात को? यस
तो अब इस तकलीफ को कम करने का जरूरी है कि हमेशा हमें डिफिकल्ट पाथ ही अपनाना पड़े, सन्यासी ही बनना पड़े, सब चीजें छोड़ के परमात्मा में लीन होना पड़े? अगर ऐसा होता तो हमने जन्म ही क्यों लिया होता, हमने शादी ही क्यों की होती, हमारे भाई बहन ही क्यों होते, हमारे बच्चे ही क्यों होते, और ये सारे जो प्रपंच हमारे आसपास हैं ये क्यों होते? राइट? तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा सीधा सरल रास्ता भी तो होगा ना, जहां पर हम इस दुनिया में भी रह सकते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली अपग्रेड भी कर सकते हैं। राइट? यस कम ऑन, थोड़ी यस आवाज करिए ग्रुप में, बहुत अच्छी जी चीज हम सीखने जा रहे हैं। यस यस मैम। तो अब इन सब चीजों को समझना, मिडिल रास्ता निकालना, जो जैसे बुद्धा ने भी निकाला था, वो हमेशा अपनी पद्धति को कहते थे मिडिल वे, एक ऐसी पद्धति जो इंसान और भगवान का जो के बीच का जो रास्ता है ना उसे मैडम वॉइस गया। छोटा कर सके, कॉम्प्लिकेट ना करे बहुत ज्यादा। आप फैमिली है, आपका काम है, बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ भी जी सकते हो और परमात्मा से भी, भगवान से, अपने हायर सेल्फ से या स्पिरिचुअली भी आप कनेक्ट हो सकते हो। सो आप लोग सब सीखना चाहोगे ये सारी मोडेलिटीज, यस है ना? यस इजी वे, इजी वे। लेकिन अब ये हुंकारा विद हलीम जो है वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, हुंकारा विद हलीम को सैनी जी ने फोर्थ लेवल कहा है और बहुत लोग भी मानते हैं कि ये चौथा लेवल है। ठीक है, ये सिंबॉलिक टेक्निक है। हुंकारा विद हलीम जो है वो तीन सिंबल्स हैं टोटल, ओनली थ्री सिंबल्स। ठीक है, तो ये तीन सिंबल्स के ऊपर ये पूरी मोडेलिटी टिकी हुई है। उसको किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका प्रोसीजर कहाँ है और कहाँ यूज करना है, किस प्रॉब्लम पे कौन सा सिंबल यूज करना है, वो यहाँ आप सीखेंगे। क्लियर? बहुत ही यूनिक है ये, आपके एनर्जीज को चैनलाइज करती है, ये आपके ऑरा चक्रा को क्लीन करती है, आपको मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इवन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को सारे बैलेंस करती है। ब्यूटीफुल, इजंट इट? तो आप यस लोगों को ये बेनिफिट्स भी बता दिए जाएं। देखिए, मैंने आपको ये कहा था, एक तो जन्म और मृत्यु की साइकिल, और सेकेंडली आज की डेट में जो हम आज जी रहे हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट्स हम जी रहे हैं, उसको एक अच्छी तरीके से जीने की कला सिखाती है। ठीक है ना? तो अब अच्छे से जीने की कला में सबसे पहले तो आते हैं हमारे टारगेट्स, हमें लाइफ में करना क्या है ना? तो जो हमारे टारगेट्स हैं, इस पद्धति से हम उन्हें अचीव करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम उसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो अगर जब आप वो फॉलो करते हैं तरीके से, तो आप उस लेवल पे चले जाते हैं कि आप अपने टारगेट को अचीव बहुत इजीली कर पाते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए भी ये बहुत कारगर है, जैसे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना, रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस लेकर आना, और साथ में लव भी, डोंट फॉरगेट द दैट बेसिक पार्ट। जितनी भी डिजीजेस हैं जो मेंटल स्ट्रेस के लिए से शुरू होती हैं, उन सबको ये रिमूव करती है। ठीक है, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स, लीगल मैटर्स, या आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको लगता है कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं किसी न किसी कारणवश, उनको ये डाउन करने में हेल्प करती है। ठीक है, आपके ऑरा को क्लीन करती है, आपके स्ट्रेसेस और एंजाइटी को रिमूव करती है, और यहाँ आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जो है ब्रह्म नाड़ी। नाड़ियां तो सबको पता है कौन कौन सी होती हैं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इन सबका तो नाम आप लोगों ने सुना है। यहाँ आप सीखेंगे ब्रह्म नाड़ी के बारे में और उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको थॉट्स की क्लैरिटी आती है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। देखिए, हर इंसान में ब्रेन तो है, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश, कभी किसी सिचुएशन वश, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, हम उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं जो हमने याद किया है। जैसे बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम आती है, याद तो कर लिया लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, है ना, कि क्या लिखना था, क्वेश्चन का आंसर एकदम गायब, ब्लैंक हो गए। ठीक है, कभी कभी हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं, या हम कभी अलमारी खोलते हैं और ये भूल जाते हैं हमने अलमारी खोली क्यों थी, फ्रिज खोला था क्यों खोला था, इस रूम में हम गए थे क्यों गए थे,
बहुत बार होता है ये सबके साथ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी होता ही है। होता है, नहीं होता है? होता है। तो ये सब चीजों को हटाना है ना अपनी लाइफ से। एक अच्छी मेमोरी चाहिए, जो भी आपने याद किया वो रिटेंशन होनी चाहिए, आपकी माइंड में क्लैरिटीज आनी चाहिए। तो हुंकारा विद हलीम एक ऐसी मोडालिटी है जो आपको ये सब चीजों में हेल्प करती है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाएगी। ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी बहुत जरूरत है भाई, है ना? क्योंकि बच्चों के साथ डील करना इतना इजी नहीं होता है। अगर किसी पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो वो भी हट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ काली हैं, आप क्या वो सोच रहे हैं, उनकी पावर से के ऊपर कोई थोड़ी ना है ना? और माँ बगलामुखी सबको सही रास्ते पे लाने का ही काम करती हैं। बैंकर्स हैं, सीएस हैं, जहां पर मेंटल काम है, आप बहुत ज्यादा दिमाग का काम करते हो, वहां ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एमबीए एनालिस्ट हैं, देखो मैंने सिर्फ एमबीए नहीं लिखा है, वहां पर एनालिस्ट लिखा है, जहां पर एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनना होता है, राइट? मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स के लिए क्यों जरूरी है बताइए, कोई बता सकता है यहाँ पर? हाँ जी बता रही हूँ जी, ये बिजनेस ओनर्स के लिए क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपके टारगेट्स अचीव होने, पैसा आना, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस वालों के लिए। तो ये आपके माइंड को इतनी क्लैरिटी देता है, इतना फोकस देता है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। पैसा कमाने की जो हमारे अंदर कहते हैं ना आग होनी चाहिए, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इन लोगों को तो बहुत डील करनी पड़ती है इन सब चीजों से, राइट? फिर आपकी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, देखिए क्या होता है, जहां जहां पर आपको थोड़ा सा वीक लग रहा है, मेंटली आप वीक लग रहे हो, ठीक है ना, वहां सब आपको ये हेल्प करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को हेल्प करेंगे। तो बिजनेस वाले और सेल्स वालों के लिए अच्छी है या नहीं है ये बताइए, कम्युनिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? यस हाँ ये जी, बहुत अच्छी है। हाँ पेरेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और बच्चों को फियर्स निकालने के लिए मतलब इसको सीखना चाहिए या नहीं? बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट पेरेंट्स सीख के बच्चों को ही की हीलिंग कर सकते हैं, इससे डरवर निकल जाएगा सब। ये सभी के लिए अच्छी है। सभी के लिए अच्छी है ओवरऑल, क्योंकि अल्टीमेटली माँ काली हमें क्या बता रही है, जीवन और मरण के साइकिल से बाहर आओ। जीवन मरण के साइकिल से हम कब बाहर आ सकते हैं? जब हम अपने कर्मों को सुधारेंगे। अग्रीड? यस अच्छा मैम एक क्वेश्चन है। 1 मिनट, 1 मिनट और रुक जाइए, बस एक सेंटेंस और बोल के फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आती हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपको किस तरह से जीना है, ठीक है, वो आपको सहायता करती है। तो हर चीज के ऊपर ये काम करेगी, ठीक है? अब जिस जिसके क्वेश्चंस हैं अपने हाथ ऊपर कर दीजिए, तो मैं एक के बाद एक सबके क्वेश्चंस लूंगी। आपका वीडियो बंद है, मुझे आपका नाम नहीं है, जो सबसे ऊपर सबसे पहले जिसका आया है हाथ, 1 मिनट, सॉरी, आपका ना नाम है ना कुछ है, ओनली ब्लैक स्क्रीन है। तो आप प्लीज वीडियो ऑन करें और क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा किसी काम में हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं है। मेरा बस ओके यही छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे अब अभी बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो उसको हम हील कर सकते हैं, बट जब वो बड़े हो जाए तो हम क्या उसको सिखा सकते हैं, उसको अट्यूनमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी 12 साल के बाद ही आप ये सब चीजें बच्चों को सिखाइए। हाँ तो बस अभी की, चलो अभी 10-11 साल का बच्चा है, तो 2 साल बाद हम खुद उसको अट्यूनमेंट दे के हम सिखा सकते हैं ना, कि बिल्कुल या फिर बिल्कुल अट्यूनमेंट देने के लिए कोई अलग से एडवांस होगा या ऐसा कुछ तो नहीं है ना, इसी में आ जाएगा ना नहीं, सब कुछ? ये स्टैंड अलोन मोडेलिटी है, ये जितना अभी यहाँ पर आप सीखेंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे इसको दूसरों को सिखाने के लिए भी, इसकी हीलिंग्स को प्रैक्टिस करने के लिए भी, ओके मैम, थैंक ठीक है? यू। यू आर वेलकम। आपका नाम जान सकती हूँ? प्रकृति, प्रकृति। ओके थैंक यू प्रकृति जी। हाँ जी खुशबू जी बताएं। मैम जैसे मैंने रेकी लर्न किया हुआ है,
तो क्या रेकी से पूरा डिफरेंट है या रेकी जैसा ही कुछ है? रेकी से डिफरेंट है। ओके, तो इसको सीखने के देखिए लिए रेकी आना कंपलसरी है या फिर रेकी कोई नीड बिल्कुल नहीं, नहीं है? बिल्कुल ओके नहीं। आपको अगर कुछ भी आपने हीलिंग में पहली बार कदम रख रहे हैं तो भी आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। इट इज टोटली सिंबॉलिक। रेकी ओके में रेकी आप कितने सिंबल्स करते हैं? में 70, रेकी, हाँ रेकी में 73 समथिंग है, राइट? है ना, जहां से यस वो सिंबल्स लिए गए हैं इसके सिंबल्स भी वहीं से लिए गए, ठीक ओके है। तो ओके हाँ जी, तो वहां देखिए हर एक सिंबल एक अलग काम करता है, ये आप जानते हैं रेकी का, राइट? जब हर एक सिंबल हर एक अलग चीज पे काम करता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल लिए गए हैं, और ये सारे काम वो 3 सिंबल पे होता है, तो आप सोचिए ये सिंबल्स कितने पावरफुल होंगे। ओके और दूसरा ये कि जो अटेंडमेंट होगा वो मतलब सेल्फ अटेंडमेंट होगा या फिर सब ग्रुप अटेंडमेंट होगा? इंडिविजुअल अटूनमेंट्स, देखिए मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ कि सबका सोल अलग है, सबके सोल पर्पसेस अलग हैं, है ना। अब अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ हो, और किसी को चाहिए कि मेरा सीए में एडमिशन हो जाए, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? ऑब्वियसली है ना, अट्यूनमेंट में हम भले इंटेंशन नहीं डालते हैं, लेकिन हर एक का जब इंटेंशन अलग होता है तो हर एक के सोल पर्पस को एक्टिवेट करके ही उसका इंटेंशन डालना चाहिए। मैं बराबर इसकी बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, ओके ठीक है। तो मैं ये सबको हमारा इंडिविजुअल अचीवमेंट्स देती हूँ, मैं कभी किसी को ग्रुप में ओके नहीं देती। ओके तो टाइम डिसाइड करके और दिया जाएगा ऐसा है? हाँ, वो ग्रुप में आता है, मैं बकायदा आप लोगों को देती हूँ कि ये टाइम पर है, आप अपना खुद चूज करते हो टाइम, आपको टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं, आप उसमें अपना नाम लिखेंगे, उस टाइम पर आपको वहां बैठना है। यस थैंक यू मैम। इसके बाद हम किसी और को भी अटेंड कर सकते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से है कि मैं ये बोलती हूँ कि सबसे पहले आप खुद की करिए हीलिंग्स, अपने ऊपर इफेक्ट्स देखिए, ठीक है, उसके बाद आप दूसरों को दीजिए। ओके राइट यस मैम थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। हाँ मैम वन जी, मोर क्वेश्चन मैम, हाँ बोलिए। टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगा इसका? 5:30 टू 7:30। 5:30 ठीक है ओके मैम थैंक यू। हाँ जी, मधुरिया जी बोले। अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करें। हाँ जी, अब बोले। नमस्ते मैम, नमस्ते जी। मैं जानना चाहता था वो आंसर मिल गया मुझे, अटूनमेंट प्रोसेस जो अभी व्हाट्सएप चल रहा है, अटूनमेंट प्रोसेस कब देंगे आप? आपको क्या मिल गया है? जी मैं ये अभी ज्वाइन किया है, अटूनमेंट हाँ, कब देंगे आप? अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया सर। अच्छा, पहले आप सीख लीजिए, अट्यूनमेंट मुझे देना है और आपको भी कुछ करना होगा उसमें, आपको सिद्धिकरण करना होगा जो मैं खुद दूंगी आपको पर्सनली, अच्छा। है ना। देखिए हम कोई भी चीज करते हैं, ये जब भी चीजें होती हैं ना, तो जी इनमें कुछ ऐसी होती है एक्टिवेशंस होती हैं, ठीक है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, बहुत हाई प्रोसेस नहीं है ये, जी बट ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी बहुत तो साधना चाहिए ना। जब माँ की बात आती है तो हमें जी उनके आगे सरेंडरनेस भी होनी चाहिए, तो वो पूरा जब आपको मतलब सिखाया जाएगा उसमें आपको अट्यूनमेंट सबको मिलेगा, जो कोर्स एनरोल कर रहे हैं सबको इंडिविजुअल अट्यूनमेंट मिलेगा। मैम, मैंने इसलिए मैं पूछा था, मेरा जॉब नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में है, मैं अभी तो आसाम से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उस एरिया में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, तो अटेंडमेंट में ओके। देखिए अगर मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ तो क्या सुविधा होगा क्या? आप टेंशन मत करें, वो जी उसको हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे, आपकी छुट्टी वाले दिन करेंगे। देखिए मैं जो भी जॉब वाले होते हैं ना, उनको अट्यूनमेंट्स मैं जनरली देती हूँ सैटरडे संडेज, अच्छा मैम ठीक है। जी और जो भी लास्ट तक रुकेंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, रुकिए, आपको कुछ ऐसी चीज दूंगी जो आप लोग सच में मानेंगे कि हाँ कुछ मिला है। जी खाली हाथ नहीं जाना कि कोई भी,
जी मैम, तो इसलिए रुकिए, फीस तो बता देंगे, फीस भी है, उसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज भी देने वाली हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स ले लें, सबकी क्वेरीज भी हैं, जी ठीक जी है, उसके जी बाद, जी ठीक है। हाँ ओके जी मैम, निशा, थैंक यू, जी। मैम निशा जी गुड, बोलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाँ जी गुड नमस्ते। आफ्टरनून, कैसे हैं मैम मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। आप? थैंक यू मैम, आप काली माँ की सिद्धि लेके आए, बिकॉज मैं काली माँ की फॉलोवर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी पूजा करना। लास्ट टाइम मैंने मैम सीखा था 10 मन विद्या, उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन करा के छोड़ दिया, कुछ बताया नहीं। देखिए 10 महाविद्या इतनी इजी चीज नहीं है। हाँ तो उन्होंने यही कहा था कि सिद्धि है, और मैम पता है उन्होंने क्या करवाया, सिर्फ मेडिटेशन करवाया 10 ही का नवरात्रों के अकॉर्डिंग। तो मैं सेटिस्फाई नहीं थी, मैं ढूंढ ही रही थी, मैंने कहा मुझे माँ के बारे में जानना है, और इसमें मैम आप हीलिंग करना या माँ को क्या पसंद है वो भी चीजें बताएंगे। माँ को सब पसंद है, ऐसे मत बोलो कि माँ को क्या पसंद। आप बताओ आपकी माँ को क्या पसंद है जिन्होंने आपको जन्म दिया है। मैम कुछ स्पेशल बस चीज वही तो माँ होगी को भी ना, पसंद है, कुछ माँ को सिर्फ स्पेशल, भाव पसंद है, नहीं, कुछ अपनापन स्पेशल, पसंद है। हाँ वैसे है मैम, बट कुछ ऐसा भी तो होता है जैसे हम सिद्धि करते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल होता है, या स्पेशल तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। देखिए आपको क्या बेसिकली करना है ना, वो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। और टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, 10 महाविद्या का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 10 महाविद्या करनी है तो पूरी की पूरी सबकी साधना होगी, ऐसा नहीं होता है। आपसे जो देवी रेजोनेट करती है, आपकी जो बात, आपको जो काम करना है वो उस देवी को अलॉटेड होता है, हर एक को अलग अलग। तो आपको किसकी सिद्धि करनी है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, कभी कभी गाइडेंस आती है उसके ऊपर, फिर आप वो इसमें सिद्धि कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक चीज सबके लिए नहीं होती है, ठीक अटूनमेंट है भी ना। आप अच्छे से करेंगे, और सिंबल भी देंगे, और हीलिंग करना भी बताएंगे, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अब क्लास स्टार्ट होने के बाद 21 दिन के बाद आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे, बीच में भी करवाऊंगी हीलिंग्स बताना वो सब है, और उसके बाद बाहर भी आप देना शुरू कर सकते हैं, ओके मैम, थैंक यू, बस यही थोड़ा ठीक सा है। थैंक पूछना था मैम, थैंक यू सो मच। यू थैंक यू। हाँ जी कुमार जी बोले, अपना वीडियो ऑन करके बोलेंगे हाँ तो अच्छा लगेगा। प्रणाम मैडम जी, एक्चुअली मैं आउटसाइड हूँ इसलिए आई एम सॉरी, वीडियो विल नॉट बी गुड मैम, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, ओके मैडम जी, सी माय क्वेश्चन इज, सिंस दशा महाविद्या इज ट्रेडिशनल इंडियन यू नो फॉलोइंग एंड इट इज बताओ। गॉट इट्स ओन डेप्थ एंड रूट्स एज यू एक्सप्लेन्ड अर्लियर। व्हेन यू से दैट यू एसोसिएट सिंबल्स विथ दशम महाविद्ये, आर दीज सिंबल्स टू फ्रॉम द दशम महाविद्ये लिटरेचर, और इज इट समथिंग विच इज टेकन अप नाउ? आई मीन आई होप अच्छा यू अंडरस्टैंड माई चलिए, क्वेश्चन मैम। आई गॉट इट, आई गॉट इट। चलिए आप लोगों को सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। क्या आप लोग सब जानते हैं जितने भी सिंबल्स हैं, चाहे वो स्वास्तिक हो चाहे ओम हो, ये कहाँ से आए हैं? एनीवन, एनीवन ऑफ यू? नो? चलिए बता देते हैं। ये एक ऋषि शाल्विक थे, शाल्विक का नाम तो सुना है सबने। हाँ, जी तो ऋषि शाल्विक ने सिंबल्स बनाए थे, उनकी एक कहानी है, वो अलग है, वो हम यहाँ नहीं लेंगे, कोर्स में मैं बता दूंगी। तो उन्होंने सिंबल्स बनाए थे, 450 सिंबल्स बनाए थे, ठीक है। 450 में से 100 सिंबल आज भी छुपे हुए हैं, वो किसी के सामने नहीं है। जो 350 सिंबल्स हैं उन्हीं में से, चाहे आपके रेकी के हों, चाहे लामा फेरा के हों, चाहे यहाँ हुंकारा के हों, या किसी भी मोडेलिटी के सिंबल्स हों, वो सारे वो 350 सिंबल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप चाहे स्वास्तिक बना रहे हो, चाहे ओम बना रहे हो, हर एक की अलग फ्रीक्वेंसी है, हर एक का एक मतलब है, हर एक सिंबल का एक ना एक मतलब है, ठीक है ना। और ये सारे सिंबल्स जो हैं वो शाल्विक ऋषि ने बनाए हैं, उनमें से ही रेकी लिया है, उन्हीं में से हुंकारा लिया है, उन्हीं में से लामा फेरा लिया है, उन्हीं में से योग माया लिया है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ मैडम जी, मैडम जी सिंस यू ऑल्सो टच अपॉन द फ्रीक्वेंसीज, कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चन नाउ, इज इट ओके और शुड वी टेक इट ऑफलाइन मैम? इफ इट इज लाइक, मतलब अगर कोर्स से रिलेटेड नहीं है तो हम बाद में करते हैं, पहले सबके
क्वेरीज का आंसर कर दें, फिर उस बात उस टॉपिक को लेंगे. इज इट ओके? श्योर मैम, आई थिंक दैट दैट्स फाइन. थैंक यू सो या मच. या थैंक यू थैंक यू. हाँ जी राम जी बताएं. हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताएं. आई प्राणी गिलिंग में आया, मैं प्राणी गिलर, तो प्राणी गिलिंग के साथ कनेक्टिविटी है इसकी कुछ या नहीं? हाँ नहीं, मैं भी प्राणी किलर हूं तो वो तो आपने आत्मा नमस्ते बोला तभी मैं समझ गया था. ठीक है, थैंक यू. सो देखिए, प्राणिक हीलिंग इज समथिंग डिफरेंट. इट वर्क्स ऑन बेसिकली योर ऑरा एंड चक्रास एंड डीप चक्रास, राइट? यार राइट. है ना, यहाँ पर सब कुछ कवर होता है लेकिन डिफरेंट तरीके से. ठीक है, सिस्टम यहाँ अलग है थोड़ा. सिम्बॉलिक. हाँ जी, सिम्बॉलिक अलग है, हाँ मैं सिम्बॉलिक वे में. माता जी का भी भक्त हूँ और मेरी श्रद्धा भी है थोड़ी बहुत. बहुत अच्छी बात है. देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं सबको बोलती हूँ, थोड़ा बहुत सब कुछ सीखना चाहिए जो हमारे बस में है और जो हम सीख सकते हैं. उसका रीजन ये होता है कि हमें अपग्रेड होना है, और कौन सी चीज हमसे कब रेजोनेट होती है वो आप तभी पता कर सकते हो जब आप उसको सीखोगे या आप उसको समझोगे, है ना. हम लोग क्या करते हैं, ये है, अरे नहीं बाबा ये तो साधना है, साधना के नाम से पीछे हट जाते हैं, है ना. ये काली माँ का है, जो लोग को थोड़ा सा भी डर है, फियर है लाइफ में, मतलब मृत्यु से जिनको डर लगता है इस दुनिया में, उससे वो भी थोड़ा बहुत डरते हैं, वो भी अवॉइड करते हैं ये सब चीजें. लेकिन ये सब चीजें ना आपको अपग्रेड करने के लिए होती हैं, ठीक है. ये मैं सिखाती भी हूँ, मैं खुद भी अपने ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ. मेरी भी फैमिली है, मेरी भी काफी बड़ी फैमिली है और सब अच्छे से रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो नहीं आप अपने आप को जरूर. अपग्रेड करते हो हर स्टेप के ऊपर ये सब चीजें सीख कर. जैसे बहुत सारी हम लोग यहाँ पर एकेडमी में, आप जानते ही हैं, आप तो काफी टाइम से जुड़े हुए भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं अलग अलग लेवल पर. तो जिसको जिससे जो चीज रेजोनेट होती है, मैं तो यही कहूंगी आप लोग सब सीखो, और जो चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको अपने अंदर तक आप ले सकते हैं, उसको लेकर आप खुद की भी हीलिंग करो और समाज की भी में भी लोगों को हेल्प कीजिए. मैं तो बस जरूर. इतना ही चाहती हूँ, नहीं जितना हो सके करिए. नहीं मैं आई एम इंटरेस्टेड मैडम, इसके लिए मैंने पूछा था. बिल्कुल, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम राम जी. थैंक यस श्योर मैडम, थैंक यू, यू. थैंक यू जी. हाँ जी, गीतांजलि कहें. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. नमस्ते जी. हाँ जी, वीडियो ऑन मैम कर मैं पाएंगी? मैम या एम आई हाँ, थैंक विजिबल? यू थैंक यू. या ऑफ कोर्स. All right, ma'am. I have a couple of doubts. One, you said that normally when you attune, it is on the soul purpose. So if or you have one aim, let's say it could be a professional growth, or it could be harmony in your personal life, or it could be for child or whatever. What if you Yes. have multiple aims, right? Maybe I want to. Why? Ah, Maybe thank I want a professional growth, and maybe I also, want to settle a legal matter and maybe well-being of my child. So then, how does this work? देखिए, जब भी हम कोई एक इंटेंशन पे काम करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, एक प्रायोरिटी होती है. फाइन, अब अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही क्लीशे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई होप सो एवरी वन विल अंडरस्टैंड. हमने बनाई है पनीर की सब्जी, इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, पनीर. लेकिन इसमें क्या क्या पड़ा है, टमाटर भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, अदरक भी है, हल्दी, नमक, एवरीथिंग जो भी आप लोग डालते हैं वो सब है. तब जाके उसका एक फ्लेवर आता है, बट मेन इंग्रेडिएंट क्या हुआ, पनीर. ठीक है, अब आप कोई इंटेंशन डालते हो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है. लेकिन जब आप कंप्लीट प्रोसेस करते हो तो सारे सिंबल्स यूज करते हो, और हर एक सिंबल अलग अलग चीजों के लिए बना है, राइट. तो आपने इंटेंशन तो दे दिया एक चीज का, लेकिन वो जो सिंबल्स जब आप ड्रॉ करते हो तो वो हर एक एस्पेक्ट को कवर भी करता है. So what you're saying is that before attunement, one has to set their mind to one particular aspect of their life that they're looking to improve. And then you're Correct. saying eventually, as you practice, other things also start falling in place. राइट, बट एक चीज यहां पर मैं सबको बता दूं, अट्यूनमेंट इंटेंशन के साथ नहीं होती है. मैं यहाँ एक डिफरेंस आप लोगों को सबको बताना चाहूंगी, हीलिंग्स जो होती है उसमें इंटेंशन आप डालते हैं, ठीक है.
है ना? ओके, बट देन हाँ ठीक है वन हैज टू बी वेरी क्लियर दैट आई एम डूइंग इट फॉर दिस एज यस, इन नाउ जस्ट बिगिन लिसन टू विद मी एक वंस। क्वेश्चन. या हाँ जी, देखिए अट्यूनमेंट क्या होती है आप लोग पहले समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं। अट्यूनमेंट वो होती है जो गुरु अपने शिष्य को अपनी एनर्जी के साथ अट्यून करता है, टू फॉलो द चैनल। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सिखा रही हूं, तो मैं अपनी एनर्जी के साथ जो मेरे गुरु की एनर्जी है उसको इन्वोक करके, और उनके भी गुरु को, मतलब पूरी क्लैन चलती है ये। तो जब हम, हाँ एक तरह से आप विश्वजीत जी ये कह सकते हैं कि गुरु दीक्षा जैसी होती है। तो आपके गुरु के एनर्जी जो है उसके साथ आपकी एनर्जी जब अलाइन होती है, तो जब भी आप इसको हीलिंग में लेते हैं तो वो एनर्जी आपको अपने सोर्स से भी आपके साथ फ्लो होती है। गॉट इट? तो दैट इज ठीक अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे उस वर्ड को, तो अट्यून करना अपनी एनर्जी के साथ, अपने चैनल के साथ, अपने स्टूडेंट को अट्यून करना, दैट इज अट्यूनमेंट। ठीक है, सिद्धिकरण वो होता है जो आप सिद्धि करते हो, जो आपको दिया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज को सिद्ध करना है अपने लिए ताकि वो काम कर सके। ठीक सो वी है, आर डूइंग बोथ हियर यस यू आर सिद्धिकरण. डूइंग बोथ, यू विल बी डूइंग, एंड सेकेंडली उसके बाद आप हीलिंग्स करोगे। तो जो हीलिंग्स होंगी ना वो आप दूसरों को दोगे, अपने ऊपर भी करोगे, वो भी मैं बताऊंगी कि सेल्फ हीलिंग्स कैसे की जाती हैं, दूसरों के ऊपर जो हीलिंग्स की जाती हैं वो कैसे की जाती है। ठीक है डिस्टेंस एंड हीलिंग भी आएगा इसमें, आप यहाँ ओके बैठे हो ओके दुनिया में किसी भी कोने पे आप किसी को भी हील कर सकते हो। मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन. आई एम एन अकाशिक रिकॉर्ड स्टूडेंट. सो एज एन आई एम ओके, लर्निंग वेरी अकाशिक रिकॉर्ड्स एंड आई एम ऑलमोस्ट ऑन द फैग एंड ऑफ द कोर्स. सो यू नो इज इट एडवाइज दैट वंस वन मोडालिटी इज डन आई प्रैक्टिस दैट फॉर अ बिट एंड देन गेट टू दिस. सो अभी सिंस द लास्ट बिट इज लेफ्ट सो वी आई मीन विल इट बी आई डोंट नो इफ वन इंटरसेक्ट्स विद द अदर. मतलब मेरे को महीना रुकना चाहिए वो प्रैक्टिस करके और आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन राइट. आई आई डोंट वॉन्ट कि वो एक के देखिए, बाद दूसरा करने में मैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रही और मैं ये सीखने लग गई या फिर ओके, वन विल हेल्प द अदर. आई डोंट नो आई एम लिटिल कंफ्यूज. डोंट बी, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। सी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, चाहे आकाशिक हो, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले ना थोड़ा सा हीलिंग को मैं समझाऊं, चलेगा आप सबको? थोड़ा सा मैं ज्ञान बांट रही हूँ यहाँ पर, अदर देन द मोडेलिटी, डोंट माइंड एवरीवन। थोड़ा सा जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। नहीं देखिए क्या लगती हैं होता हम है, सुनना चाहते हैं. नहीं थैंक यू, तो नहीं देखिए मैडम जरूर आप जरूर जरूर सुनना चाहेंगे. बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस। देखिए क्या होता है, बेसिकली हम लोग कहाँ अटकते क्या हैं, कह रहे हो हम दीदी. गीतांजलि प्लीज अपना म्यूट कर लेंगे, थैंक यू। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, एक तो प्रॉब्लम समझने में, ठीक है, चाहे आपकी हो चाहे आपके क्लाइंट की हो। ओके, एक पार्ट हो गया प्रॉब्लम, जो भी है, जो भी डिस्कम्फर्ट है या हेल्थ इश्यूज है या फाइनेंशियल इश्यूज है या जो भी है, हेल्थ रिलेशनशिप या करियर हो आपका, कोई भी चीज हो, हेल्थ, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए व्हाट यू नीड टूल्स, ठीक है ना? सबको टूल्स चाहिए ना। आप हीलिंग कब करोगे जब तक आपको ये बात ही नहीं पता है कि आपको प्रॉब्लम है और किस टाइप की प्रॉब्लम है। एम आई राइट? डू यू अग्री एवरीवन? यस यस तो अब यस मैम ये जो होते हैं, जैसे आकाशिक हो गया, थीटा हो गया, स्कैनिंग्स हो गई, या आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज तो नहीं बोलूंगी मैं, बट ये सारी जो चीजें होती हैं, टूल्स होती हैं हमारे प्रॉब्लम को समझने के लिए, कि हमें ये सोर्स कहाँ पर है, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स हमको आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। तो ये टूल्स हैं उनको जानने के, ठीक है। आप देखो हमेशा क्या होता है इन मोडेलिटीज में, सब में आप पहले वहां तक जाते हो, उस चीज को समझते हो और उसके बाद उसको हील करते हो ना, राइट? तो आपने अपने टूल को समझ लिया अच्छे से, आपने उसको सीख लिया कैसे जाना है, एंजल हीलिंग करनी है
या आपको ये सब करना है, आपने जाके पहले, सबसे पहले क्या करते हो, उसको रीडिंग करते हो, हम यही बोलते हैं ना, टैरो रीडिंग बोलते हैं, आकाशिक रीडिंग बोलते हैं, थीटा रीडिंग बोलते हैं, सबसे पहला वर्ड यही आता है, उसके बाद आता है वर्ड हीलिंग, है ना। आप क्रिस्टल से हीलिंग कर सकते हो। अब ये क्या है, ये टूल्स होते हैं कुछ जो फिर हीलिंग्स में भी हेल्प करते हैं। तो कट्टू पार्ट क्या हुआ, पहले तो आपने आकाशिक की रीडिंग कर ली, फिर आकाशिक में जाके उसको हील कर दिया प्रॉब्लम को, मतलब रीराइट कर दिया। ओके, हील नहीं होता है वो, रीराइट होता है। थीटा में आप जाके हील करते हो अपने हायर सेल्फ पे जाके, डिवाइन से हेल्प लेकर, राइट। ऐसे ही करते हैं ना, जिन लोगों को आता है वो रेजोनेट कर पा रहे हैं इन चीजों से, यस मैम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हमको प्रॉब्लम सपोज नहीं पता, हमें ये नहीं पता सोर्स क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है कि भैया हमको ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप उसके ऊपर इंटेंशन डालो, सिंबल्स बनाओ, माँ आपको हेल्प करती है, ये सिंबल्स आपको हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करने में, ये हुंकारा का बेनिफिट है, ठीक है। लामा फेरा का भी इसी तरह से बेनिफिट चलता है, वो आपके सोल के पर्पस को बताती है आपको कि आप इस दुनिया में आए क्यों, कोई तो पर्पस लेके आए ना, कोई ऐसे तो नहीं पैदा हो जाता है, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, पिछले जन्म से कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, या कोई आपके कर्म ऐसे अटक रहे होंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो होता है ना, नहीं तो ऐसे तो कोई भगवान नहीं भेज देगा आपको कि भैया तुम जाओ इस शरीर में चले जाओ, या इस माँ के वूम में चले जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है ना, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और एक एज के बाद हर किसी, ये हर इंसान के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और आज की जो जिंदगी है उसको हम किस तरह से अच्छे से बेहतर जी सके, यही आता है या नहीं आता है, सच बताइए। यस यही दो काम है हमें करने हैं बस लाइफ में, पहले तो अपने लाइफ के पर्पस को जान लो, और फिर अभी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको अच्छे से जी लो, है ना, ताकि हमारा जो आगे का मार्ग है वो अच्छी तरीके से प्रशस्त हो सके, जो हम जिसकी मोक्ष की बातें करते हैं हर वक्त, है ना। तो मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ अपने हम कर्म सुधार सकते हैं, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस ठीक कर सकते हैं, बिलीफ सिस्टम्स को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, आपके जो न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथ्स होते हैं, है ना, जो आपके अंदर जो पाथवे होता है, नर्वस पाथवे होता है, न्यूरो पाथवेज होते हैं, उनको हम क्लीन कर सकते हैं, आपके ऑरा चक्र को क्लीन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे टूल्स हैं, और टूल्स के साथ फिर आप हीलिंग्स करते हो, तो कभी भी कोई भी चीज क्लैश नहीं होती है, ये सारे रास्ते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपको एक स्क्रू खोलना है, आपने गलत उसका वो उठा लिया, आपने वो करा, आपको नहीं समझ आया, फिर आप दूसरे से ट्राई कर रहे हो, फिर आप तीसरे से ट्राई कर रहे हो, अल्टीमेटली कोई ना कोई तो फिट हो ही जाएगा उसमें, होगा कि नहीं होगा ये बताइए। हो तो बस आप जाएगा। यही कर रहे हैं, आप अलग अलग टूल सीख रहे हो कि कौन सा टूल कहाँ पर जाकर फिट होगा, कहाँ से ये चीज आपकी खुलेगी, या कहाँ पर आपको बंद करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट द वे यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई होप सो आई एम एबल टू डू इट। सो देन देर इज नो क्लैश इफ आई ट्राई मल्टीपल थिंग्स एट द सेम पॉइंट। यस, आपकी कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए बहुत जरूरी है ये समझना, मैम कुछ जो चीजें, साधना आप बोल रहे हो 21 डेज का, उसके बारे में थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन कर पाओगे कि किस तरह से बिल्कुल होती है वो साधना? देखिए साधना कैसे होती है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट ये आपको इन द बता सेंस पाऊंगी कि की कैसे, इन द सेंस की थोड़ा सा ब्रीफ आप दे सकते हो, बिल्कुल जैसे बिल्कुल मंदिर में ही बैठना है या नहीं, तुलसी मार के बता बैठना देती, है या चेयर पे बैठ सकते हैं या नहीं, वो वाला सर। जी, बिल्कुल। देखिए ये जो है प्रोसेस, ये बैठ के किया जाता है, ठीक है, लेट के नहीं करना है, जैसे कुछ मोडालिटीज हैं जो मैं भी पढ़ाती हूँ तो उनमें लेट के कुछ चीजें होती हैं हीलिंग्स, इसमें लेट के नहीं होती, इसमें बैठ के होती है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ बस मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ, कभी भी आप हीलिंग्स का काम करो ना, तो ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी को निकालते हैं और पॉजिटिविटी को डालते हैं, हर जगह यही होता है, सारी हीलिंग मोडालिटीज में यही होता है ना, नेगेटिव को हटाना है और पॉजिटिविटी को डालना है। नाउ द थिंग इज, ये आपकी बैठ के होती है, इसमें कोई आपको ऐसे कोई हाथ में लेके कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लामा फेरा में आई डू विद दिस स्टिक्स एंड ऑल, ये सब रहती है मेरी, पूरा मुझे पहनना होता है, ऐसा कुछ भी हुंकारा में नहीं है, हुंकारा इज लाइक
लाइट कलर क्लोथ्स पहनो और यू कैन डू द हीलिंग्स। ठीक है, अट्यूनमेंट भी आप बिल्कुल लाइट उसमें लेते हैं। सिद्धिकरण जो करना है वो भी आप, मैं बट प्रेफर करती हूँ कि आप लोग एक कोई टाइम बांधो, एक कोई जगह बांधो जहां पर भी आप बैठ के सिद्धिकरण कर सको। ये गाइडेड मेडिटेशन होगा, मेरी वॉइस में रिकॉर्डेड ऑडियो है, ठीक है, जो मैं सब, जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उनको मिलेगा। क्या, सॉरी मैं आपका पढ़ नहीं पाई, अगर आप अनम्यूट करके बोलते हैं मुझे तो सूट ही नहीं करता, दोनों कलर झगड़े हो जाते हैं। ओके देखिए वो शनि और उसका है तो हम उस पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम कलर्स पे नहीं जाएंगे, बस इतना थोड़ा सा समझ के ले लीजिए कि डार्क कलर्स ना पहने, लाइट कलर्स पहनेंगे उतना अच्छा होता है, आप उतनी ही जल्दी आप डिविनिटी से कनेक्ट भी हो पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कुमार जी? नो आंसर। चलिए फिर मैं दूसरी क्वेश्चन लेती हूँ किसका। हाँ जी देव जी बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ जी नमस्ते जी, बताएं। मैम ये जो साधना और जो साधक है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाट है। आई एम जस्ट अ बिल्कुल लवर ऑफ गॉड एंड गॉडेस एंड माय एल्डर ब्रदर इज हनुमान जी। तो ये जो आप जो बोले हैं गुरु, गुरु तो एक ही होना चाहिए। इसमें ओंकारा में गुरु ये बात कैसे आए? देखिए मैंने ये बोला ही नहीं, ये समझाने की बात होती है, समझने की बात है। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? अगर मैं आपको अपनी एनर्जी के साथ अट्यून करती हूँ, आपको अपनी एनर्जी का चैनल बनाती हूँ, जो मेरे गुरु ने मुझे बनाया है और उनके गुरु ने उन्हें बनाया है इस विद्या को समझने के लिए और इस हीलिंग की एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसको बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में समझेंगे तो ये गुरु शिष्य परंपरा ही हुई। तो इसमें जो कोई आप जिस प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं? गुरु, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ आप जिस गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हो ना, वो प्रॉपर सनातनी गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी वो पद्धति है, आप उसकी बात कर रहे हो, उससे ये बहुत अलग है। क्योंकि वो साधनाएं, मैंने क्या कहा, वो साधनाएं एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये जो है ये बीच का रास्ता है जो बुद्धा ने दिखाया है। और वो इसलिए, अगर आप देखो थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में आप समझोगे ना, तो जो अवतार होते हैं है ना, वो अवतार क्यों लिया, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान अवतार इसलिए लेते हैं जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोग संभाल नहीं पाते हैं चीजों को, उनको मैनेज करने के लिए, उनको सिखाने के लिए अवतार लिए जाते हैं, राइट, यू अग्री? यस अब यस हाँ जी, तो अब ये है कलयुग, तो कलयुग में सतयुग अवतार तो आ नहीं सकता, लेकिन जैसे बुद्धा है उनको भी हम अवतार इसलिए मानते थे कि बहुत सारे अवतार होते हैं अपने अपने लेवल पे, ठीक है, लेकिन उनको हम कहते हैं भगवान पुत्र बुद्धा, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अपनी, उनकी एक वो है, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है जो सतयुग में हमको सिखाया गया है और जो कलयुग में हो सकता है, लेकिन उन दोनों को मिलाने के लिए एक बीच का रास्ता चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत अज्ञानी हैं, ठीक है ना, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते जो सतयुग में होता था, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते जो उस लेवल पे होता था जहां हमारा माइंड क्लियर हो और हमें क्या करना है, हम हर एक रिचुअल को प्रॉपरली फॉलो कर सके, हम नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना ही दावा कर ले, अंटिल एंड अनलेस वो पूरी तरह से सन्यासी हो, राइट, तो हमें एक बीच का रास्ता चाहिए अपनी जिंदगी को, क्योंकि हम लोगों के बीच में भी तो ऐसे हैं, जरूरी थोड़ा ना कि सारे पाप करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, उन लोगों को भी तो उन उस सिनेरियो से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए रास्ते चाहिए, चाहिए या नहीं? तो ये जो मोडेलिटीज हैं ये आपको उस रास्ते पर ले जाने का काम करती, कि आप समझो इन चीजों को, आप सीखो इन चीजों को, ऐसा भी होता है। और फिर अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो फिर आप अपनी दीक्षा लीजिए, आप अपने गुरु बनाइए, प्रॉपर तरीके से गुरु बनाइए और आप उस रास्ते पर निकल जाइए, लेकिन वहां बहुत चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं। एक्चुअली मैम
आई एम एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर आल्सो. मैं समझ गई देखकर. वेडेकी लामा फेरा हीलिंग, होपोनोपोनो हीलिंग, ये भी मेरा मॉडल टीका अंदर भी है. और जो तंत्र है, तंत्र तंत्र हुडू, ये सब भी मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ. स्पेल कास्ट, तो हुमकर बेसिकली हुमकर विथ हाली, ये जो मोडालिटी है, इस मोडालिटी के अंदर दशाभिता काली का जो रूप है, इसमें इसका अंदर है या काली तंत्र का अंदर है, ये क्या है? इस सिर्फ हीलिंग मोडालिटी है या हीलिंग के साथ तंत्र भी दूसरा कोई चीज जुड़ा हुआ है, यही मेरा क्वेश्चन. देखिए, पहली चीज तो ये है देव जी कि दस महाविद्या बताने का मेरा मतलब ये था कि पार्वती जी के ये सारे रूप हैं और उनके इन दो रूपों को लेकर ये मोडेलिटी बनी है. बस दस महाविद्या बताने का मेरा ये मतलब, ठीक है, कि ये काली माता और बगलामुखी माता जो है वो हम कहाँ से ले रहे हैं. बेसिकली वो पार्वती जी का ही अंश है, अलग अलग रूप है, ठीक है ना. और हर एक को, जैसे मैंने कहा ना, हर एक को एक पदवी दी जाती है, हर एक को एक काम अलॉट किया जाता है कि भाई तुम इसके लिए मान्य हो. जैसे काली माता जो है वो जन्म और मरण के साइकिल को आपको क्लीन करती है, आपको समझाती है. बगलामुखी माता एक तरह से मेंटेनेंस की देवी आप कह सकते हो, कि आज के जन्म में जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको देती है, ठीक है. तो हम यहाँ पर सिर्फ वही कर रहे हैं, हम इसको और ज्यादा डीप में नहीं ले. दस महाविद्या टोटली अलग चीज है, वो टोटली अलग चीज है. दस महाविद्या की साधना आसान नहीं है. आपके साथ किस देवी का रेजोनेशन होता है उसके ऊपर वो साधना होती है, ये बात आप भी जानते ही होंगे जब आप इस लाइन में हैं तो, ठीक है ना. और वो हम यहाँ नहीं कराते हैं, बेसिकली होमकड़ा हुई तो हालिम बेसिकली एक हीलिंग मोडालिटी है. ये जो प्रडेकी हीलिंग है और जो लामा फेरा है इसके तरफ है, बट थोड़ा सा अलग है, गॉड या गॉडेस से जुड़ा हुआ है, यही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके, थैंक यू सो मच. ओके जी, थैंक यू, आत्मा नमस्ते. हाँ जी, पिंकी जी बताएं. आत्मा नमस्ते जी, बोले. बोलो. हेलो. नमस्कार. हाँ जी बताइए. एक्चुअली मैम, मुझे जानना था, मैं पहले जैसे पूजा करती थी मुझे बहुत सारी फीलिंग्स थी, मुझे आवाज भी सुनती थी, क्या मैं उन चीजों से वापस से कनेक्ट हो सकती हूँ इसके थ्रू? देखिए, अगर आपका डिस्कनेक्शन हुआ है तो किसी ना किसी रीजन से हुआ होगा डियर. नहीं, एक्चुअली मैम बिफोर मैरिज की बात है, मैं काली जी की पूजा करती थी, मुझे फील होता था, किसी ने मुझे बताया, मतलब मुझे क्या, मदर को बताया कि इनको काली की शक्ति फील हो रही है और वो आ रही है इनके, वो झेलने के लिए एक एनर्जी की जरूरत है, तो वो आप इनको शांत रूप में करा दो, मतलब माँ के किसी भी शांत रूप के मंदिर में जाके चीजें डोनेट करने के लिए बोली, माँ को चढ़ाने के लिए बोली, तो मदर ने जो काम कराया उसके बाद वो चीजें थोड़ी सी स्टेबल हो गई, वो चीजें इतने उसमें नहीं हुई. तो मैं उन चीजों से वापस से कनेक्ट होना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी लास्ट जनवरी में गुप्त नवरात्रे थे, उस टाइम पे मैंने पूजा की, मुझे वो आवाजें फिर दोबारा आनी शुरू हुई, मतलब मैंने बहुत क्लियरली सुना कि खड़े हो पूजा तुम्हारा. आपकी आवाज कट गई क्योंकि देव भगवान देवी नहीं चाहती वो सब लोग सुने. आपको पता है ऐसा होता है, आप जो मेन वर्ड्स कहना चाह रहे थे वो आपकी वहीं पर आवाज कटी है, क्योंकि वो ओपन नहीं होनी है तो मत बोलिए वो, ठीक है. जो भी है, देखिए आप कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप साधना करना चाहते हैं, करिए. ये मिडवे है, इसमें किसी को इतनी तकलीफ या जो एक ये सोच के हम बैठते हैं ना तंत्र मंत्र वाली बातें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर. मैम मैंने बहुत सिंपली पूजा की थी जो घर में इंसान करते. कोई बात, जब हम एक सरेंडर मोड में आ जाते हैं ना भगवान के आगे, तो सब वो संभालता है, हम कुछ नहीं है उसके आगे, ठीक है ना. मैम मैंने वो लाइफ में चीजें फील की है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन थी लाइफ के अंदर, मैंने सब उन पे छोड़ दिया था,
बस सरेंडर मोड में रहिए, लाइफ एकदम सेट रहेगी, डोंट वरी। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, है ना, वो माँ आपके आगे खड़ी रहती है। ठीक मैंने है ना? मैम लाइफ में ये चीज बहुत अच्छे से फील की, जहां बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपको किसी का सहारा नहीं होता, वो आपका हाथ थाम लेती है। देखिए, जब हमारे माँ बाप चले जाते हैं ना हमें इस दुनिया में छोड़ के, तो जी डिवाइन माँ बाप है वहां, डिवाइन फादर डिवाइन मदर होते हैं, कुछ भी है वो रहेगा, उनका हाथ रहता है हमेशा सिर पे। तो इसलिए कोई भी, ये जहाँ बात है। यहाँ ये वर्ल्डली वर्ड्स है, इस दुनिया के शब्द है अनाथ, है ना, अनाथ कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं। जी ठीक है ना? मेरा तो यही मानना है और मेरी ऐसी ही सोच है। तो जब आपने उसके आगे अपने आप को डाल दिया, अपने आगे अब उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया ना, तो बस उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है? ओके, चलिए, गॉड ब्लेस। हाँ जी, संतोष जी बोले। देव जी, आपको कुछ और भी पूछना है, कोई बात करनी है आपने? हाँ, यस 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 यस। तो सबका हो जाएगा, फिर मैं आपको लेती हूँ। ठीक है? हाँ एक जी क्वेश्चन, संतोष, जस्ट सिर्फ एक क्वेश्चन बोल दिया। हाँ हाँ बोले, जल्दी से बता दे फिर। यहाँ पर जिसका अंदर ब्लैक मैजिक है, मैं ब्लैक मैजिक रिमूवर का भी काम करता हूँ, इस ओमकारा वाली इस मॉडलिटी, हाँ क्या ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के कोई हेल्प या मदद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, माँ बगलामुखी है ना। हाँ, बगलम इसलिए मैंने पूछा है। आप साधना करते हैं, आप समझ गए होंगे, और आप तो लामा फेरा अगर करते हैं तो उससे भी निकलता है वो तो। लामा फेरा से मैं किसी का मदद नहीं किया अभी तक, सब अरे करना प्रैक्टिस ही किया। चाहिए, बहुत प्यारी मोडेलिटी है। चलिए रेकी भी है और ओपन ओपन भी है, उसमें ही चल जाता है, जरूरत होपनो नहीं। बोलो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस, दैट इज नॉट अ सिंबॉलिक हीलिंग, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके मन की भाव है वो बस, है ना। ये हीलिंग हाँ, मोडेलिटी अलग है। हाँ जी रीना जी, ये हीलिंग मोडेलिटी है, मैं बता रही हूँ, यस, जैसे क्वेश्चंस आएंगे आप सुन लीजिए, फिर मैं आपकी क्वेरी को जवाब दे दूंगी। हाँ जी ठीक है। महेश जी बोलो। हाँ थैंक यू देव जी। हाँ जी महेश जी बताएं। हेलो, प्रणाम। हाँ, आत्मा नमस्ते कहें। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? बहुत क्लियर आ रही है, बताइए। तो मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ, आपके साथ बात हुई है और आपने ये अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, सब लाभ रहे। मेरे थैंक यू अभी थैंक मैं भी मैं किसी का काम मैं करने के लिए बोलता हूँ तो उसका हो जाता है, मेरा प्रॉब्लम में आ जाता है, तो मैं वो कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसमें फंस चुका हूँ, मेरा बिगड़ता जा रहा है, दूसरे का बोले तो हो जा रहा है, तो मैं इसमें एक फंस चुका हूँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आता, कुदरत का कनेक्टिविटी गाइडेंस, का हो तो गया। आपकी बिल्कुल गाइडेंस तो यही आ गई ना कि आप मत बोला करो दूसरों को। ठीक है, मैं बंद कर दूँ तो? बिल्कुल, आप अपने पहले अपनी चीजों को देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, आप चैनल बन रहे हो सपोज, ठीक है ना, एनर्जी का चैनल बनते हो, तो पहले अपनी चीजों को क्लीन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, फिर तो दूसरों पे जाइए। मैं इसमें 1-1.5 साल हो गया, मैंने किसी को बोला नहीं, किसी को किया नहीं, मगर 1-2 बार किसी का किया था तो मेरे को प्रॉब्लम बढ़ गई, मेरे काम में सब रुकावट आ गई, तो ये मेरी जो अलाइनमेंट थी वो कट गई है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। मैंने नहीं एक नहीं दो आदमी को ये किया था। आप उनकी प्रॉब्लम में ज्यादा चले गए, इसको एम्पैथी अटैचमेंट्स कहते हैं, ठीक है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, जब आप उसमें खुद का क्या रियलाइजेशन आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। करें? और कुछ पूछना चाहते हैं मनीष जी? मैं इससे कैसे निकलूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि नहीं मैं समझ पा रहा हूं, कोई काम ब्लॉकेज हो गए तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये परमात्मा का मुझे ये डिस्कनेक्ट हो गया है या क्या है। आप एक काम करें, आप आ जाएं हीले इसमें कोर्स में आ जाइए, तो उसमें आपको ये भी जो है डिस्कनेक्शंस हैं या जो भी नेगेटिविटी ऑरा चक्रा में है वो भी निकल जाएगी,
सेकेंडली आपका जो टारगेट है या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो भी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है? ब्लॉकेजेस कट जाते हैं इसमें, ठीक है? जी ओके जी, हाँ जी सुषमा जी बोले। मैडम जी, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो लाइक फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस क्लासेस बी? ओके, सी दिस इज फॉर 5 to 8 क्लासेस हम लेते हैं, 5 to 6 क्लासेस आर मोर देन इनफ फॉर दिस, ठीक है? और फर्स्ट एवरीडे राइट, 5:30 बजे, इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, सो सॉरी फॉर दिस। नो नो दैट्स ओके, सो विल दिस क्लासेस बी एवरीडे? नो, ओनली ऑन ट्यूजडे एंड थर्सडेज। एक्चुअली मैं बहुत कुछ और भी बताना चाह रही थी लेकिन वो क्वेश्चन आंसर्स में ना सब वो टाइम चला जाता है। एक सेकेंड दीजिए, डेज लिख देती हूँ। शॉर्ट फॉर्म चलेगा राइट? जो बताना चाहती है ना वो पहले बता दीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ऑरा चक्र के बारे में भी बताना, इसलिए मैंने कहा सब लोग लास्ट तक रुकिए क्योंकि वो फिर शुरू हो जाता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल ही पड़ता है। ट्यूजडेज एंड थर्सडेज हैं इसके जो टाइमिंग्स हैं, एक मिनट। टाइम होता है 5:30 PM टू 7:30 PM इवनिंग्स, ठीक है? इज इट ओके? ओके ओके मैडम, लेट मी सेव इट, नहीं तो वो फिर चला जाएगा। अगेन आई विल जस्ट ओपन दिस फॉर यू ऑल, ठीक है? तो ये तो हो गया, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं। संतोष जी आपका हो गया, महेश जी आपका हो गया, एक प्राची जी का मेरा नहीं हुआ मैडम, मेरा बाकी है। अच्छा संतोष जी का बाकी है, वो फिर किसने पूछा था मुझसे? वेद जी ने पूछा था, फिर मैं बैठ गया पीछे आ गया। अच्छा नहीं नहीं कोई और था। हाँ बोलिए संतोष जी जल्दी। मैडम मुझे पूछना है कि ये दोनों लामा फेर और ये इसमें ओमकारम है, मतलब डिफरेंस क्या है? दोनों ही मतलब स्ट्रॉन्ग मोडालिटी है पर... हाँ जी काफी स्ट्रॉन्ग है, लामा फेरा फास्टेस्ट मोडालिटी कही जाती है आज की सिनेरियो में, आज की दुनिया में, ठीक है? और दूसरा ये है कि जो लामा फेरा है वो उसमें 12 सिंबल्स होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं, एक हीलर लेवल और एक टीचर लेवल। वो टीचर लेवल करने के बाद आप टीचर बन जाते हो, आप किसी को भी सिखा सकते हो, ठीक है? ओके okay, और मैडम ये इसमें जो जैसे कि ओमकारम है इसे तो क्या मतलब मंत्र चैंटिंग रहेगा कि 21 जो सिद्धिकरण में उसका मेरी जो आवाज में आपको सिद्धिकरण का मेडिटेशन मिलता है, आपको सिर्फ बैठना है और उसको सुनना है और उसको अपने आत्मसात करना है, दैट्स इट। मंत्र चैंटिंग तो नहीं रहेगा? बलमुखी मंत्र का, बलमुखी मंत्र वैसा मतलब काली मैं माँ का बोलती तो, हाँ जी वो रहता है लेकिन आप अपने मन में कर सकते हो क्योंकि वहां पर मैं आपको बोल रही होती हूँ तो आप मन में कर सकते हो, जोर से नहीं बोलना है, ना बोलो कोई बात नहीं। यहाँ पर वैसे मैं करवाना चाह रही थी सबको, अगर टाइम मिला तो जरूर करवाऊंगी ताकि हम कनेक्ट कर सके माँ से सभी लोग, ठीक है? तो जल्दी से दर्शन जी आप पूछ लीजिए, नहीं सॉरी पहले पंची जी बोले प्लीज, पंची जी जल्दी से बताएं, ये मुझे आगे बढ़ना है, इट्स लाइक थोड़ा सा फिर टाइम हो जाएगा हमारा। पंची जी बताएं। Yeah, hello ma'am. Actually, I wanted to ask you the same question actually. What is the difference between Omkara healing modality and Lama Fera since you are teaching both? So that's the main thing. And secondly, because ye Ma Kali se connected hai and dusra wala, I think something Buddha. To do with Lamas, I don't know. But then, Buddha, Buddha. 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 Right. So, दोनों अगर एक ही चीज पे काम कर रही है या लाइक यू नो व्हाट इज द ये हुमकारा भी थलतीम का सबसे ज्यादा पॉजिटिव या यू नो द मोस्ट ये कौन सा है कि यू नो डूइंग दिस कोर्स? या ओके ओके ओके, सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस अगेन, मैं चाहूंगी कि ये समझा सकूं मैम। फाइव मेरी नाम राशि का कौन है? ओके सो देखिए जो लामा फेरा है ना वो आपके जो आपका सोल आता है जब इस दुनिया में आता है कोई पर्पस से आता है उसको वो बताता है, ठीक है? आपके जो सोल पर्पस है उसकी तरफ आपको लेके जाता है, आपके ऑरा चक्रा को क्लीन करता है,
आपके ऑरा में अगर कोई एंटिटी है उसे दूर करता है, आपकी मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल पे हीलिंग्स करता है, आपके रिलेशनशिप्स को हील करता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कहते हैं ना, इवन हमारे पत्रिका में या हमारे ग्रहों में या कोई भी चीज में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बस की नहीं होती कुछ चीजें हैंडल करनी। तो वो लामा फेरा के सिंबल से बहुत जल्दी उसके ऊपर इफेक्ट आता है और वो बहुत जल्दी क्लीन होती है, ठीक है, और आपको रास्ता मिलता है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का, बेसिकली लामा फेरा के थ्रू। ओके, जो जिसको हम कहते हैं मेल फीमेल एनर्जी है, प्राणाज है हमारे अंदर, जितनी हमारी सटल बॉडीज होती हैं, कोशाज होते हैं, एवरीथिंग कम्स इन इट, ठीक है। तो इट इज लाइक जैसे जो प्राणिक हीलर्स हैं उसके आगे का लेवल आप लामा फेरा समझ सकते हैं आपको, क्योंकि प्राणिक हीलर्स को पता है ऑरा क्या होता है, किस तरह से एंटेंगलमेंट्स होती हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, तो लामा फेरा उसका आगे का लेवल आप समझ सकते हो। बट ऑब्वियसली किसी और ने बनाया है प्राणिक हीलिंग, हमारे कॉक्स ने बनाया है, चोआ कॉक्स हुई ने, और ये जो है ये मोडालिटी हमारे तक पहुंचाई है एसके सैनी जी ने, ठीक है। हुंकारा क्या है? हुंकारा आपकी प्रेजेंट लाइफ को मैनेज करने के टूल है विद सिंबल्स, ठीक है। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, माइंड और बॉडी, इन दोनों को समझाता है, उनको सही रास्ते पर लाना, उसको अलाइन करना, चैनल करना, और साथ में आपको ये भी बताना कि मटेरियलिस्टिक चीजें जो भी हैं क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है, उसका आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली वो माइंडफुलनेस आ जाती है, तो हम फालतू की चीजों में नहीं पड़ते हैं फिर। यू नो वी हैव सम टारगेट्स इन लाइफ, राइट, वी हैव अ पर्पस व्हाई वी हैव कम हियर, मे बी वी आर जस्ट डूइंग आर कर्मास जो हमारे पास्ट लाइफ के हैं, वी हैव लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स और व्हाटएवर यू कैन से, राइट। सो वो सब चीजों से भी हमें बाहर आना है ना, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमको आगे पता ही नहीं है क्या करना है। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे, सच बताइएगा, जिनको ये नहीं पता है कि व्हाट देयर फ्यूचर होल्ड्स, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि कहाँ है, यही फंसे पड़े हैं, आज की प्रेजेंट डे में आप फंसे पड़े हो, और कहाँ से अपनी एनर्जीज और कहाँ से अपने एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, पास से, राइट। तो आपकी जो लेवल है वो यहीं पर खत्म हो गई ना, आगे क्या, तो आगे का रास्ता जो है वो क्लियर कौन करता है, ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाता है, यही हम कहते हैं। तो वहां पर हमें अपने आप को क्लीन करना है, अपने ऑरास, चक्रास, हमारी लाइफ पर्पसेस को समझना है, जो भी सराउंडिंग्स में जो भी नेगेटिविटीज आती हैं उसको हमको अपने से दूर रखना है और आगे बढ़ना, अपने आप लाइफ पर्पसेस समझ आ जाते। मुझे भी नहीं पता थे, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ लाइफ में, बस ठीक है हम पैदा हो गए अच्छे घर में, खाया पिया मस्त रहे, पढ़ाई करी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर संभालना, दैट्स इट। एक जनरल ओवरव्यू यही होता है, पैसा अच्छा हो, आराम की जिंदगी हो, घोड़े गाड़ी बंगला सब हो, यही है। बट इंडिविजुअल लाइफ पर्पस क्या, ये तो जनरल हो गया ना, इंडिविजुअल आप क्या करना चाहते हो, क्या आप टीचिंग में जाना चाहते हो, क्या आप हीलिंग्स में जाना चाहते हो, क्या आप किसी की सेवा करना चाहते हो, बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस होते हैं लाइफ में, ये सब चीजें आपको आने लगेंगी, आपको समझ आने लगेगा, क्लैरिटीज आने लगेंगी इस मोडेलिटी को कर, ठीक है। थैंक यू मैम, आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, बट देन मेरे को ये क्वेश्चन था मन में, सो आई थॉट ऑफ आस्किंग। नहीं बिल्कुल, यू कैन आस्क एनी एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। वन टू क्लास आई विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं, या किसी के माइंडसेट या किसी की बिलीफ को अगर मुझे इतनी समझ दी है भगवान ने और दे रहे हैं कंटिन्यूस गाइडेंस, मैं यहाँ अपने पूरा लगा के रखती हूँ भगवान का, और बैठने से पहले यही प्रे करती हूँ कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, आपके बच्चे हैं सारे, उनके ऊपर सब कुछ है, ठीक है ना। तो वो जैसे जैसे गाइडेंस आती जाएगी, आप लोग क्वेश्चन पूछते जाओगे, गाइडेंस आती जाएगी, मैं बताती जाऊंगी, नहीं आएगी तो वो भी बता दूंगी कि नहीं आ रही है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए हाँ, मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देती हूँ क्या क्या मिलेगा, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हर क्लास की, ठीक है,
सेकेंडली आपको पीडीएफ मिलेगा, कैसे करना है एक एक डिटेल में मैंने पॉइंट वाइज इसका वो बनाया हुआ है, आपको कुछ परेशानी नहीं होने वाली है जब आप हीलिंग्स करोगे। पॉइंट वाइज आपको हीलिंग प्रोसेस है, अट्यूनमेंट प्रोसेस है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। पर्सनली आप लोगों को सिद्धिकरण की ऑडियो मिलेगी, मेरी मेरी आवाज में है, रिकॉर्डेड है, वो वही आपको करनी है, और आप अपनी भी बना के कर सकते हो, लेकिन वो बाद में कर लेना, एक बार मेरी आवाज में कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अट्यूनमेंट्स मिलेगी, इसमें एक ही अट्यूनमेंट होती है, ठीक है, जैसे लामा फेरा में तीन होती हैं, हुंकारा विद हलीम में एक ही होती है, इज इट क्लियर। और बाद में सर्टिफिकेट भी मिलेगा अकेडमी का, ऑल क्लियर जिससे क्वेश्चन पूछा था उसको, क्लियर हुआ? मैं बाहर हूँ ना, इसमें इट्स ओके, बस क्लियर होना चाहिए। किसी और को जब अट्यूनमेंट हम देते हैं तो वो भी प्रोसेस लिखी होगी ना वहाँ पे कि कैसे देना है किसी और को? बिल्कुल, सब कुछ है, सब कुछ है मैडम, सब कुछ है। हाँ, क्योंकि और फिर मैं तो बार हुआ है कि बोला जाता है मैं बाद में, तो नहीं अभी तो सेकंड करना पड़ेगा तब जाके होगा, तो वो वाला चीज बहुत बार होता है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर मैं रहूंगी हमेशा ग्रुप में, हमेशा बने रहते हैं ग्रुप्स मेरे, आज तक भी हमारे अकेडमी का रूल है, हम कभी भी कोई ग्रुप को खत्म नहीं करते, आप हमेशा जुड़े रहोगे, और हमारे नंबर्स आप लोगों के पास मैडम, अभी तुम मेडिटेशन चलाते हैं तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी राम जी, मेडिटेशन कुछ चलाती है तो बढ़िया रहेगा अभी कुछ? बिल्कुल, मैं बस करा ही रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ नई चीज जानने के लिए लोग सभी जानना चाहते हैं, रहती है समझता हूँ। और अच्छी बात है, जितनी क्वेरीज रहती है ना, और जितना इंक्विस्टिक इंसान रहता है ना, उतना ज्यादा उसकी उसको क्लैरिटीज मिलती है, ठीक है। तो चलिए, अब जो जो मेडिटेशन करना चाहते हैं वो भी करिए, और ऐसे मैंने कहा ना, मैं खाली हाथ किसी को नहीं जाने दूंगी। तो मेडिटेशन के बाद आप लोगों के सबके लिए एक सरप्राइज भी है, ठीक है, पेपर पेन लेके बैठिएगा, ओके। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते दर्शन जी, बताएं जल्दी से। मेरा सिर्फ दो क्वेरीज हैं। वन इज ये जो सिद्धिकरण प्रोसेस है, इसमें मुझे कुछ हीलिंग टारगेट्स हैं या ये जस्ट आपका जो रिकॉर्डिंग है इसका कुछ मींस एक लेवल तक करना है, मींस डेली कुछ रहेगा वो करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंडली इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं क्या बिफोर एंड आफ्टर जो मुझे पता होनी चाहिए? ठीक है, चलिए बता देती हूँ। सिद्धिकरण जो है वो एक तरह से आप उसको अभ्रंश कर सकते हो उसको शुद्धिकरण में, ठीक है। पहली चीज मतलब ये है कि आप इस मोडेलिटी से, इस जो देवी जी की जो सिद्धि है, या ये कहें जो उनकी चैनलिंग है, जो उनकी एनर्जीज है, उसके साथ आप अपने आप को एक साथ करते हो, ठीक है, आप एक हो जाते हो उनकी एनर्जी के साथ। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि मिनिमम आप 21 दिन करो, ठीक है, नहीं हो सकता है तो कम से कम 11 दिन तो करो ही करो। देखिए, किसी भी चीज को आपको एक्टिवेट करना है तो टाइम लगता है, आपको इवन अगर अपना मोबाइल भी चार्ज करना है ना, तो उसको कुछ घंटों के लिए सॉकेट में लगाना पड़ता है, चार्जर में होता है ना। आई गेट इट, मैं इस एंगल से पूछ रहा था कुछ हीलिंग्स वीलिंग्स करने है क्या, नंबर ऑफ हीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं, होता नहीं, है कुछ नहीं ना, ये जस्ट मेरे हाथ में जो चीजें हैं वही है। हाँ, और दूसरा, जब सिद्धिकरण आप लोग करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप देवी से अपनी एनर्जीज को अलाइन कर रहे हो, तो वो एनर्जीज आपके अंदर फ्री फ्लो होती है। तो देखिए, मैं तो ये मानती हूँ, आज तक जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि जब भी हम कोई भी सिद्धिकरण करते हैं, या कुछ किसी भी चीज को, या किसी सिंबल को एक्टिवेट करते हैं ना, तो जो प्रोसेस हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं ना जिस वक्त, ठीक है, तो उस वक्त हमारे अंदर भी वो चीज काम करने लग जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अननोइंगली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता है। यस, अच्छा, तो मैम अट्यूनमेंट बाद में होगा ना, सिद्धिकरण प्रोसेस बाद? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अट्यूनमेंट तो मुझे देना है, सिद्धिकरण आपने करना है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मैं अपनी करूंगी, ओके, ठीक है। एंड कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, वो कुछ प्रिकॉशंस है क्या बिफोर आफ्टर?
कि प्रिकॉशंस जो है वो ये होती है कि मैं तो प्रेफर करती हूँ, कोई भी आप चाहे मेडिटेशन करो चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीज करो ना, तो 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद थोड़ा कुछ खाओ पियो मत, क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज होती हैं, राइट? तो उनको क्यों डायरेक्शन अलग अलग देना, उनको एक जगह जाने दो ना, अपने अंदर आराम से उनको फैलने दो, काम होने दो अपने अपने, मैम राइट? आई थिंक अग्री दर्शन सर अग्री जो है ना वो नॉन वेज वेज या ड्रिंक्स वो की बात पूछ रहे हैं, आई थिंक सो मुझे वो समझ। आपका मन ही नहीं, देखिए मैं तो नहीं, नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसे उसके लिए नहीं भी पूछ रहा अच्छी हूँ, बात है, आपने सुना होगा। मैं जेनेरिकली पूछ रहा हूँ कि इसके लिए हमें क्या मीन्स अवॉइड करना, ऐसा कुछ है स्पेसिफिक बिफोर एंड आफ्टर, कुछ केयर लेना है क्या आपको जिससे मैं एक हम बात कर सके बोलूँ, वो बेटर? जैसे एक अभी चीज पता और है, चला कि नहाने खाली पेट हो तो बेटर है, एंड आई एग्री बेटर, विद इट, क्योंकि जितना फास्टिंग में आप चीज करते हो उतना वो बेटर आपका अनुभव होता है चीजों का। बिल्कुल। दूसरी चीज नहाने का, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख, इसमें ही नहीं लेकिन मैं इन जनरल आप लोगों को सबको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब भी आप कोई हीलिंग करवाते हो या कोई मेडिटेशन करते हो ना, तो या तो आप पहले नहा धो के बैठ जाओ, ठीक है? हीलिंग के इमीडिएटली बाद मत नहाओ, बता रही हो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, आपने अपने अंदर एनर्जी का चैनल लिया है, राइट? अब जब आप नहाते हो तो क्या होता है, हम कहते हैं सॉल्ट बाथ ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या होता है, एनर्जी आपकी बाहर निकलती है और सबसे ज्यादा पैरों से बाहर निकलती है, ये बात याद रखिएगा। ये मैं सब कोर्स में आपको सब डिटेल में बताऊंगी कैसे होता है ये काम, क्योंकि वहां हम ग्राउंडिंग भी करेंगे। तो जब आप नहाते हो ना, तो आपकी एनर्जी निकलती है, आपकी गंदगी बाहर निकलती है, तो गंदगी के साथ अगर कुछ अच्छी चीजें होंगी तो वो भी तो जाएंगी ना, लॉजिक है ना? शुद्धता आती है बिल्कुल अंदर नहाने से। तो आप ऑलरेडी अगर हीलिंग करवा के बैठे हो तो आपके अंदर जो एनर्जी फ्लोर है वो भी निकल जाएगा, तो शॉर्ट टर्म हो गया वो, ओके? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं पर भी कभी भी आप लोग करो तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए पहले थोड़ा सा एक मेडिटेशन करते हैं और फिर मैम मैम बस मैं एक लास्ट मैम, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? एक्चुअली मैंने देखा नहीं, तो मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो क्या हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल आप? ओके आपको मिल जाएगा, इस आज ओके की क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक हाँ ओके, थैंक यू मैम, है ना? थैंक यू। ओके चलिए, तो सब लोग थोड़ा कंधे सीधे करेंगे, शांति से बैठेंगे, एंजॉय कीजिए, ओके? मैं कोई म्यूजिक नहीं लगाने वाली हूँ, ठीक है? सो आप उसके ऊपर ध्यान मत देना कि मुझे कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल ब्रेथ वर्क करेंगे और अपनी जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे विद द बीज मंत्रास। आप लोग सब तैयार हो? यस चलिए स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं सब लोग, बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट एंजॉय करना है, ठीक है? ओके दैट्स ग्रेट, आई होप एवरीवन इज रेडी। रोशनी जी बाद में बताती हूँ। दूसरी चीज ये है, अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो प्लीज मत करना, कोई अगर खाना बना रहा है तो नहीं करना। एक जगह शांति से 10 मिनट बैठना है, अगर आप बैठ सकते हैं गाड़ी भी रोक के एक जगह बैठ सकते हैं तो इट्स ओके, ठीक है? बट मूवमेंट्स मैडम, में मेडिटेशंस ना करें, आंखें बंद करनी है कि खुलनी रखनी? बता रही हूँ, बता रही हूँ, आ रही हूँ उस पर भी सर। चश्मे उतार दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी, ठीक है? चलिए सब लोग वीडियो अपना ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन कनेक्ट हो पा रहा है। मैं जरा स्क्रीन अपना ये शेयर बंद कर रही हूँ, उससे पहले आप लोग थोड़ा ध्यान में जाएं सभी। लंबी गहरी सांसें लेंगे, सबसे पहले तो कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपकी स्पाइन अपने आप सीधी हो जाएगी, आपको एफर्ट नहीं करना है उसमें फिर। और आई होप सो सबने अपने जमीन पे पैर रखे हों या जमीन पे बैठे हों, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है? दो चीजें हैं, या तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, जैसे हमारी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को थंब को मिलाकर आप लैप पे रख सकते हैं, या फिर अपनी सारी उंगलियों को इस तरह से जोड़ के भी आप बैठ सकते हैं, ताकि आपके पांचों एलिमेंट्स बैलेंस हो सकें।
ये भी एक तरीका है बैठने का, ठीक है। मेडिटेशन में ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। चलिए आंखें बंद करेंगे सभी लोग, मैं सबको वॉच कर रही हूँ। हाँ लंबी गहरी सांसें लीजिए। अगर मेरी आवाज नहीं आती है तो इट मींस यू हैव टू बी इन मेडिटेशन मोड। मैं यहां पर हूं, कोई नेटवर्क इशू नहीं, कुछ नहीं है। सो डोंट वरी, आंखें ना खोलें। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। देखिए कितनी सुंदर तरीके से आपकी जो नाक है उसमें से आपकी एयर जा रही है, नाक के ऊपर की तरफ जहां पर दोनों आंखें मिलती हैं, आईब्रोज मिलती हैं, वहां तक जा रही है और फिर आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। 2 मिनट इस पर ध्यान देंगे। अब धीरे धीरे अपनी सांस का जो फ्लो है वो आप अपनी नाभि तक लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिए कि आपकी नाभि तक आपकी सांस जा रही है। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण 3 पार्ट्स में करेंगे, अ, ओ और म। हो सकता है म में मेरी आवाज आपको सुनाई ना दे क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी का इश्यू आता है। आप अपने मन में भी कर सकते हैं और जोर से भी कर सकते हैं। अ की ध्वनि आपकी नाभि से निकलेगी, ओ की ध्वनि आपके हार्ट चक्रा की तरफ से निकलेगी, हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ से, और जो म है वो आपके कंठ से, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई एंड क्राउन अपर जो होता है वहां से आएगी। स्टार्ट करेंगे सभी। अब जो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आ रही है, जो हलचल हो रही है, उस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसको स्प्रेड करेंगे अपनी बॉडी में। अपने पैरों की तरफ ध्यान देंगे।
धीरे धीरे अपना सारा कंसंट्रेशन अपने पैरों की उंगलियों पे, जिनको हम टोज बोलते हैं, अंगूठे पर लेकर जाएंगे। उनको रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे, एक एक स्टेप ऊपर अपने शरीर को देखते जाएंगे और रिलैक्स करते जाएंगे अपने काफ मसल्स को। अपने नीज को जस्ट रिलैक्स, थाई मसल्स को, अपनी बॉडी के ऊपर के पार्ट्स को, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, हिप्स को, लोअर एब्डोमेन को, आपके रूट चक्रा को, सिर चक्रा को, उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको रिलैक्स कीजिए। सोलर प्लेक्सिस को, नाभि को रिलैक्स कीजिए। लोअर बैक को रिलैक्स कीजिए। मिडिल बैक को रिलैक्स कीजिए, कमर को, पीछे की। चेस्ट एरिया को रिलैक्स कीजिए, लंग्स को रिलैक्स कीजिए। हार्ट चक्रा को रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। थ्रोट चक्रा को रिलैक्स करेंगे, गर्दन और गले को रिलैक्स करेंगे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, अपने चिन को, अपने गालों को, अपने लिप्स को, नोज को, चीक को, ईयर को, आंखों को, आईब्रोज को, अपने फोरहेड को रिलैक्स करेंगे। अपनी बालों की जड़ों को रिलैक्स करेंगे, थर्ड आई को रिलैक्स करेंगे, अब अपने सिर के ऊपर क्राउन चक्रा को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ध्यान देंगे, यूनिवर्स की तरफ ट्रेवल करेंगे। नाउ इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, यूनिवर्स की एनर्जी को इन्वोक करेंगे। आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, एक वाइट बीम ऑफ लाइट, स्पार्कलिंग सिल्वर स्पार्कल्स विथ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, जो भी आपकी मनपसंद खुशबू है वो उसमें से आ रही है। इन्वोकेशन के बाद आप इमेजिन करेंगे कि ये जो डिवाइन लाइट है ये आपके क्राउन चक्रा में एंटर हो रही है। नाउ इट इज गोइंग इन टू योर थर्ड आई चक्रा।
रोड चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, अब रूट चक्रा से सीधी आपके दोनों पैरों में उतर के पैरों के तालुए से फ्रॉम द सोल ऑफ योर फीट इट इज गोइंग डाउन डीप इनटू द मदर अर्थ। वहां जाके आपकी पूरी जो डिवाइन लाइट है वो स्प्रेड हो रही है मदर अर्थ में। और हर एक जो जीवंत है या जिसके अंदर प्राणा नहीं है उन सब में ये डिवाइन लाइट आ रही है, पहुंच रही है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे इंसान हो, सब जगह ये डिवाइन लाइट आपके थ्रू पूरी अर्थ पर जा रही है। नाउ विद द डिवाइन ग्रेस सबको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप उसके चैनल बन गए हैं। Give blessings to all. क्योंकि आप एक माध्यम हैं। एक्सेस ऑफ एनर्जी जो आपके अंदर फ्लो हो रही है वो सब मदर अर्थ में जा रही है। नाउ स्लोली स्लोली सबको थैंक्स करते हुए धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे, अवेयरनेस में वापस आएंगे, मदर अर्थ को थैंक्स करेंगे, सभी लोगों को थैंक्स करेंगे, डिवाइन को थैंक्स करेंगे, पांचों एलिमेंट्स को थैंक करेंगे, अपने सराउंडिंग्स को थैंक्स करेंगे, अपने गुरुओं को थैंक्स करेंगे, अपनी फैमिली को थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे, नेचर को थैंक्स करेंगे। जितना आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को, सबको थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे। स्लोली स्लोली अपनी अवेयरनेस में वापस आएंगे, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट दिखाएंगे, सब लोग थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट लीजिए, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, जहां आप बैठे हैं उस सीट के लिए अवेयर हो जाएंगे, सराउंडिंग्स के लिए अवेयर होंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और बहुत बहुत विगरेसली रब करना है ताकि गर्मी पैदा हो सके, काफी तेज रब करना है। और जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाए तो उनको अपनी आंखों पे और अपने चेहरे पर लगाएंगे
और दोनों हाथों में देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी हथेलियों में ही देखना है। आत्मा नमस्ते आप सभी को, अनम्यूट कीजिए और सब लोग आत्मा नमस्ते बोलेंगे जो जो यहाँ पर प्रेजेंट है। नमस्ते आत्मा नमस्ते मैम, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जब भी आप लोग कभी भी कोई मेडिटेशन करते हैं, थैंक यू, थैंक यू। जब भी आप लोग कोई मेडिटेशन करते हैं, जब भी आप अपने आप को किस कभी भी डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, आप एक चैनल बन जाते हैं। और जब आप चैनल बनते हैं तो आंखें खोलने से पहले, ठीक है, सबसे पहले अपने हाथों की तरफ ही अपनी आंखें खोलें, क्योंकि ये आपके कर्म है ना। तो हम जब डिवाइन एनर्जीज देते हैं दूसरों को, मदर अर्थ में डाल रहे हैं, तो जब हमारी आंखों में से जो एनर्जीज निकलती हैं वो सबसे पहले हमारे कर्मों के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए किसी और को नहीं देखना, हमेशा सबसे पहले अपने हाथों को देखना। और चाहिए तो मैं तो अपने हाथों को चूमती भी हूँ जब भी हम मैं मेडिटेशन करती हूँ उसके बाद, आई जस्ट, क्योंकि ये हमारे कर्म है, इन्हें हमें पवित्र रखना है। और जितना ये साफ रहेंगे, जितने पवित्र रहेंगे, उतनी हमारी आगे की जो जर्नी है वो क्लियर और क्लीन रहेगी। आई होप सो एवरीवन एग्रीज विद अस, राइट? यस 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 मैम, ग्रेट, ग्रेट। हाँ जी,